धर्मशाला विधानसभा हलके के कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने भाजपा के प्रत्याशी किशन कपूर पर तंज कसते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मशाला में आजादी के बाद जो विकास रुका हुआ था उसे उन्होंने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 2012 में जो चुनाव हुआ था तब से लेकर अब तक 5 वर्ष का समय बीत चुका है। वे समझते हैं कि धर्मशाला चुनाव क्षेत्र में सबके सहयोग से ऐतिहासिक समय निकला है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा मिला, आजादी के बाद प्रदेश का पहला नगर निगम बना, स्मार्ट सिटी के लिए इसका चयन हुआ। उन्होंने कहा कि योल जो कंटोनमेंट है वह पहला कंटोनमेंट है जिसको भंग करने का निर्णय हुआ और इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले चेतड़ू पंचायत में आईटी पार्क के लिए जगह दी गई। उन्होंने कहा कि ये वो ताकत थी जो आपने 2012 में वोट के जरिए उन्हें दी थी। 2012 में जो चुनाव हुआ था तब से लेकर अब तक 5 वर्ष का जो समय निकला है, मैं समझता हूं कि धर्मशाला चुनाव क्षेत्र में आप सबसे सबके सहयोग से ऐतिहासिक समय निकला। दूसरी राजधानी का दर्जा हमें मिला, आजादी के बाद का पहला नगर निगम प्रदेश का ये बना, स्मार्ट सिटी में इसका चयन हुआ है, एक हमारा कैंटोनमेंट है योल का, पहला कैंटोनमेंट है इस देश का जिसको भंग करने का निर्णय हुआ है, साथ वाली पंचायत चैतरू जिसमें आईटी पार्क के लिए जगह जो है वो दे दी गई है। तो ये सारी चीजें इन 5 वर्षों के छोटे कार्यकाल में आप सबके सहयोग समर्थन आशीर्वाद से करने में मैं सफल हुआ। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर या कोई करिश्माई पुरुष था कि मैंने ये सारा कुछ कर दिया। ये वो ताकत थी जो वोट के जरिए आपने 2012 में मुझे दी। मेरे अंदर से वो ताकत इन 5 वर्षों में काम निरंतर करती रही आपकी सेवा में। और जो चीजें यहाँ कई तो ऐसी थी जो आजादी के बाद से अब तक रुकी हुई कई हम। वहीं भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री किशन कपूर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि घोषणाएं तो बहुत हुई हैं लेकिन यहां जनता को सब्ज बाग भी दिखाए गए। उन्होंने सुधीर शर्मा की घोषणाओं को हवा हवाई करार देते हुए उनके द्वारा धर्मशाला में 5 प्रोजेक्टों के नाकाम रहने का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि शर्मा ने धर्मशाला त्रियुंड रोप वे के नाम पर सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया है, आईटी पार्क के नाम पर सुधीर ने पढ़े लिखे नौजवानों को छला है, मोनो रेल को लेकर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा को फटकार भी लगाई, स्काई बस और सैटेलाइट टाउन के साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना यहां करवाने का वायदा किया था, लोगों को गुमराह किया गया। किशन कपूर ने कहा कि सुधीर शर्मा ने सिर्फ एक विकास किया है, वो है अपने घर के पास सरकारी पैसे से हेलीपैड बना लिया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। सर, यहाँ के विधायक और मंत्री ने बोला है कि विकास के ऊपर जो है उनको वोट मिलेगा, तो उसके ऊपर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, घोषणाएं तो उन्होंने बहुत सारी की थी और सब्ज बाग भी थकाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं मोनो रेल भी लाऊंगा, रोप वे लगाएंगे, वो तो अपने विजन डॉक्यूमेंट में डाला था, आईटी पार्क, और उन्होंने स्काई बस की बात की थी और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और बढ़ोतरी की जाएगी, 37 डॉक्टर थे, आज डॉक्टर मेडिसन का कोई डॉक्टर नहीं है, गायनी के डॉक्टर नहीं। उन्होंने सिर्फ एक विकास किया अपने घर का, वो है उन्होंने हेलीपैड अपने घर के पास सरकारी खर्चे से बना लिया, बाकी धर्मशाला को कोई विकास नहीं हुआ। थैंक यू सर।